तो अगर आप मेरी तरह यंग और स्मार्ट हैं तो आप पैदल आ सकते हैं, जैसे कि मैं आ गया हूँ सहेलियों की बारी पे, जो कि फतेह सागर लेक से 2 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो आप पैदल वॉक करके आ सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ की टिकट 10 रुपये की है, टाइमिंग 8 बजे से 8 बजे तक लिखी हुई है, लेकिन 9 से 6 तक है वैसे लोग कहते हैं। बाकी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं। हाँ, तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये राजा संग्राम सिंह द्वारा बनाया गया था, 1710 से लेकर 1735 के बीच में बनाया गया था। बनाया क्यों गया था? बनाया इसलिए गया था क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वो संग्राम सिंह, उनको ये प्रेजेंट देना चाहते थे, ये पूरा गार्डन, मतलब वो अपने साथ जो आई थी ना 49 या 50 मेड्स को लेके आई थी, तो उनको जो किले का पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल इशू होता है जो भी राजा महाराजाओं का और जो भी ऐसी बात होती है, उनसे दूर रखने के लिए उन्होंने जो है ये बनवाया था, इसीलिए इसका नाम सहेलियों की बड़ी है। यहाँ पे जो है रानी अपनी सहेलियों के साथ आती थी और चिल करती थी, मतलब यहाँ पे फाउंटेन है और मतलब अब अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है, लेकिन इसकी मेन हिस्ट्री यही थी कि मतलब राजा ने अपनी रानी को गिफ्ट दिया था ये गार्डन, कि वो यहाँ के थोड़ा सा जो है रिलैक्स कर सके और अपनी ज़िंदगी जी सके, जैसे हम लोग देते हैं। क्या देते हैं पता नहीं, मेरे पास तो कोई है नहीं देने के लिए, आप लोग देते होंगे तो बताइएगा ज़रूर। तो अंदर चलते हैं। तो अभी मैं हूँ सहेलियों की बाड़ी में और मेरे पीछे बहुत बड़ा फाउंटेन है, शायद वो लोग यहाँ बैठ कर रिलैक्स करते होंगे जो भी रानियाँ होती होंगी। ये देखिए, ये चारों तरफ ऐसे बना हुआ है अंदर को, मतलब आप बैठ सकते हैं छाँव में, और ये है पूरा ये सहेलियों की बाड़ी। आगे थोड़ा सा बागीचा था और फाउंटेन, मेन यहाँ का फाउंटेन ही है रिलैक्स करने के लिए। पीछे फूल लगे हुए बहुत अच्छे अच्छे और ये है यहाँ का पूरा व्यू। 20 रुपये की टिकट कर दी, पहले 10 रुपये की थी यहाँ की टिकट, तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं। इसको बिन बादल बरसात भी बोला जाता है, मतलब अगर बरसात नहीं हो रही हो और आपको देखने का या सुनने का मन हो तो ये, मतलब देख के इतनी खुशी होती है ना कि मतलब ये देखो कि कितनी पुरानी बात है, 1710 ईयर्स की बात है और इतना उस टाइम टेक्नोलॉजी थी कि कितना सुंदर बनाया और कितना बड़ा बनाया है। आजकल तो बड़ा कमज़ोर सा बनता है, नहीं टूट जाता है जल्दी, और ये अभी तक चल रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सावन भवन की तरफ, जो कि नहीं सावन भादो लिखा है ये बोर्ड पे सावन भादो लिखा है, तो देखते हैं क्या है। ओ मैन, हर जगह को अलग अलग नाम दिया है। जो पहले आपने देखा जो बड़ा वाला फाउंटेन था उसका नाम था कि बिन बादल बरसात, और इसका नाम है सावन भादो। यहाँ पे चारों तरफ मतलब आप फाउंटेन के अंदर हैं, वहाँ फाउंटेन आपके बीच में था, यहाँ आप फाउंटेन के बीच में, क्योंकि ये छोटे छोटे जो हैं पानी हर जगह से ये पीछे से निकल रहे हैं मेरे, अभी मैं दिखाता हूँ। और सच में यार उस टाइम पर बनाई हुई चीज़ें देख के इतनी खुशी होती है ना अपनी हिस्ट्री देख के, मतलब यार कितनी पुरानी बात है और इतना मजबूत और इतना सुंदर कि अभी तक टिका हुआ है। आज के ज़माने में तो कुछ भी ऐसा बन नहीं पाता। और देखो मतलब शहर पूरा बस गया लेकिन वो जगह वहीं की वहीं रही जो पहले की बनाई हुई थी, तो ये बहुत सुंदर है। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ एक बार।
तो मैं अभी कमल वाले बगीचे में आया हूँ और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे कमल उगता था। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा ये कमल उगता है और कमल खिलता है, मतलब उगता क्या है, खिलता है। ये गर्मियों के टाइम में जो मई और जून होता है तो उस टाइम यहाँ पे कमल खिलता है। तो जब राजा और रानी आती थी तो रानी मतलब यहाँ रिलैक्स करती थी और इस फूल का और इस झरने का जो है मज़ा लेती थी। मैं बताता हूँ, रानी आपको रानी यहाँ बैठती थी, ये जो ऊपर देख रहे हैं यहाँ रानी बैठती थी और मेरे इस तरफ जस्ट अपोजिट इस फाउंटेन के उस तरफ मतलब राजा बैठते थे। तो ये लोग आमने सामने बैठ के एक दूसरे से नैन मटक्के करते थे, जो भी करते थे। और तो ये, और एक चीज़ और बता दूँ, लोग कहते हैं ना ये जो फाउंटेन है, ये जो फाउंटेन है, ये जो दिख रहा होगा कि नहीं अभी दिखा देता हूँ, ये जो फाउंटेन है इसको ताली मारो तो और ऊपर आता है। तो अभी मैंने यहाँ पे काम करते हैं उनसे पूछा ऐसा होता है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, जो गाइड के साथ आता है सिर्फ उन्हीं के साथ होता है, क्योंकि गाइड जो है हमको इशारा कर देता है, हम वहाँ से पाइप दबा देते हैं और वो जब ताली मारता है तो ये ऊपर आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ उनकी अपनी अलग ही सेटिंग बैठी हुई है, ठीक है। बाकी ये वाला मुझे सबसे सुंदर लगा और सोचो जब यहाँ कमल खिलता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे कमल खिलता है, ये कमल वाला गार्डन है। देखते हैं कोई और गार्डन है आगे तो आपको वहाँ दिखाता हूँ क्या है। सो अभी हम आ गए हैं एक और उद्यान में, इसका नाम है रासलीला। इसका नाम रासलीला क्यों है मैं बता दूँ, ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये फाउंटेन है। यहाँ तो हर उद्यान में ही फाउंटेन है, हर का अलग अलग नाम है। इसका नाम रासलीला इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि जब वो आती है ना होली, होली में राजा और रानी और सब लोग यहाँ रहते थे और यहाँ पे मतलब होली खेलते थे इस वाले एरिया में, और गाना बजाना और हर चीज़ होती थी। तो वो वाला गाना बजता था कि केसरिया बालम पधारो मारे देश, और ये सारे जो भी यहाँ के फोक डांस हैं, फोक जो भी गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, वो यहाँ पे प्ले होते थे और राजा रानी सब यहाँ इन्जॉय करते थे। तो बेसिकली रासलीला इसीलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे होली वगैरह मनाई जाती थी और सब जो है आपस में यहीं पे मतलब खाना पीना हर चीज़ मौज मस्ती जो कहते हैं ना, होली पार्टी जैसे होती है ना, वही होता है इधर, इसीलिए इसका नाम जो है रासलीला पड़ा है। तो अगला देखते हैं अगला क्या है। तो रासलीला वाला जो गार्डन था वो लास्ट गार्डन था यहाँ पे। गोल घूम के मैं वहीं मेन गेट पे आ गया हूँ और मेरे पीछे मेन गेट है, तो अभी यहाँ से बाहर निकलूँगा। छोटे छोटे पार्क हैं, उनको देख रहा हूँ कुछ वहाँ पे मिल जाए। वैसे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा अभी और जगह को फील करूँगा। बड़ा अच्छा लग रहा है यार इधर, मतलब पॉजिटिव वाइब्स जिसे कहते हैं ना वो आ रही है इधर। जैसे मैं घूम के वापस रासलीला ही वाले गार्डन में जा रहा हूँ जो अभी दिखाया था मैंने आपको। तो अभी थोड़ी देर मैं यहाँ बैठूँगा, फिर यहाँ से निकल दूंगा और अभी होटल में भी चेक इन करना है अपने, तो वहाँ चल के होटल में चेक इन करेंगे। तो चलिए फिर वहीं मिलते हैं।